नमस्कार किसान भाइयों, मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अफीम के पौधों की अंतिम सिंचाई हो चुकी है, तीसरी सिंचाई मैं कर रहा हूँ। इसमें तो मैं अपने खेत में कौन कौन से फर्टिलाइजर्स और खाद का प्रयोग और कीटनाशक का प्रयोग करता हूँ इस समय, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, जितनी भी तनाव की अवस्था थी वो पौधे की निकल चुकी हैं। खाद की कमी या पानी की कमी जो खेच लगाते हैं उसका समय निकल चुका है। अब पानी की कमी नहीं होनी चाहिए फसल को, और ना ही किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी होनी चाहिए, क्योंकि अब पौधा तनाव नहीं झेल सकता है। जैसे इंसान को तनाव रोगग्रस्त कर देता है, बीमार कर देता है, ठीक उसी प्रकार फसल को भी किसी भी प्रकार का तनाव, चाहे पानी की कमी हो चाहे किसी पोषक तत्व की कमी हो, उसे रोगग्रस्त कर देती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा इस समय मैं कौन कौन से खाद और फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को गौर से देखिएगा, और आप भी इस प्रकार अपनी फसल में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से वो फर्टिलाइज़र्स और कीटनाशक हैं जो इस अवस्था में प्रयोग किए जाते हैं। तो तीसरी सिंचाई आप देख पा रहे हैं, उससे पहले भी ये कर सकते हैं, उसके बाद भी ये कर सकते हैं। पौधे की इस अवस्था में आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये पौधे की ग्रोथ की अवस्था है। पानी की कमी ज़्यादा दिनों तक लंबी खेच न दें। अपनी मिट्टी के अनुसार 12 से 15 दिनों के अंतर या 20 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहें। अपनी सोइल कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो देख पा रहे वीडियो में, ये मेरी फसल है, तीसरी सिंचाई हो रही है। और इस समय जो दिए जाने वाले खाद हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ NPK 12-32-16। 10 आरी के लिए मैंने 10 किलो लिया है, आप भी ले सकते हैं, क्योंकि पौधे की ग्रोथ वाली अवस्था है तो इस समय फर्टिलाइज़र की कमी ना हो। इसमें तीनों प्रकार के पोषक तत्व हैं, और जो चौथा पोषक तत्व है सल्फर, वो भी मैं ले रहा हूँ इसके साथ, जो अनिवार्य है और पौधे की जो नसों को ब्लॉक होने से बचाता है। यह है वर्टिको, सिजेंटा कंपनी का एक कीटनाशक, जो बहुत ही अच्छा कारगर है। कीटनाशक तो ही साथ में साथ में ये क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, जिससे पौधा हरा भरा रहता है। और यह है विलवुड कंपनी का ब्रांड ग्रेनुअल, जो सोइल कंडीशनर है, मिट्टी को अच्छा रखता है और जो पौधे में मौसम के प्रति लड़ने की ताकत बढ़ाता है। तीनों को मिक्स कर ले अच्छी तरह से आप, यदि आप भी ये यूज़ कर रहे थे। और उसके बाद आप इसको खेत में अच्छी तरह से छिड़क के सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सभी प्रकार के कीट हैं उनको मारने की क्षमता है वर्टिको में, जैसे कि रस चूसने वाले कीट जो ज़मीन में भी लग सकते हैं, या पौधों के जो जड़ के पास निचली सतह होती है वहाँ पर भी लग सकते हैं, तो उनको समाप्त कर देगा। और जो चबाने वाले कीट हैं ज़मीन में छुपे हैं तो वो भी मर जाएंगे इससे। और जो सिंचाई के साथ पूरी तरह मिट्टी में समा जाएंगे, और किसी भी प्रकार के कोई भी कीट हो उनको समाप्त कर देगा। साथ ही साथ खाद भी घुल के और सल्फर भी घुल के हमारी फसल को अच्छी ग्रोथ देगा। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और यदि आप भी ये यूज़ करना चाहें फर्टिलाइज़र वगैरह तो यूज़ कर सकते हैं। ये एक मेरा निजी अनुभव है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहेंगे हमारे साथ। जय जवान, जय किसान।